हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी में नौवां अध्याय है द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय में मित्रों उद्योग, विनिर्माण, विशेषीकृत कृषि, इसके अलावा दुग्ध उद्योग, ये सारे व्यवसाय आते हैं। उसमें सबसे पहले अपन उद्योग है, उद्योगों के स्थानीयकरण के जो कारक है, उद्योगों को नियंत्रित करने वाले जो कारक है, उसका अध्ययन अपन ने विगत क्लास में किया है। आज उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तीन आधार पर किया गया है। एक तो उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले यानी कि उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, वो तीन तरह से किया गया है। अब आकार किससे डिसाइड होंगे? आकार का मतलब है कि उस उद्योग के अंदर पूंजी कितनी लगाई जाती है। एक तो पूंजी, एक उत्पादन की मात्रा, जो वस्तु का उत्पादन है उसकी मात्रा क्या है, और तीसरा है श्रमिकों की संख्या, काम करने वाले श्रमिकों की संख्या। इन तीनों के आधार पर उद्योगों का आकार डिसाइड होता है। उसमें पूंजी कितनी लगी है, श्रमिकों की संख्या क्या है काम करने वालों की, और वस्तु के उत्पादन की मात्रा क्या है। इसके आधार पर उद्योगों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन आते हैं कुटीर उद्योग। ये कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग होता है। कुटीर उद्योग की क्या विशेषता है कि इसमें एक तो स्थानीय कच्चा माल है वो उपयोग में लिया जाता है। स्थानीय कच्चा माल है उसका उपयोग है वो घर परिवार वाले सदस्य मिल करके रोज़मर्रा वस्तुओं को, जीवन में जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करते हैं, तो उसको अपन कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग के अंदर यानी एक तो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और इसमें पूंजी कम लगाई जाती है और साधारण औजारों से, एक तो इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, पूंजी भी कम लगाई जाती है और साधारण औजारों से घर परिवार वाले सदस्य मिल करके दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत उद्योग निर्माण का जो स्थान है, वस्तुओं के निर्माण का स्थान और स्थायी जो रहने का स्थान, वो एक ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार के श्रमिकों के रूप में भुगतान नहीं दिया जाते या श्रमिक नहीं रखे जाते हैं। अब इसमें घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के रोज़मर्रा या दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे कोई खाद्य पदार्थ से संबंधित वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ से संबंधित वस्तुएं हैं। अब खाद्य पदार्थ में क्या आएगी, जैसे पापड़ का निर्माण, ये घरों के अंदर बहुत सारे घर परिवार वाले सदस्य मिल करके करते हैं, तो इस प्रकार के विभिन्न पापड़ का निर्माण या कोई फास्ट फूड संबंधी है या कोई और आइटम खाने की है उसका निर्माण करना है, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं वो खाद्य पदार्थ से संबंधित वस्तुओं का निर्माण भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी के बर्तन है या बांस की टोकरियां, दरी पट्टी, चटाइयाँ, ये जो उद्योग है, इस प्रकार के जो उद्योग है जो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जिसमें
यानी एक साधारण औजार के माध्यम से घर परिवार वाले सदस्य मिल करके दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तु है उसका उत्पादन करते हैं। कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो खुद में यानी परिवार में जो उपभोग करने के बाद में अतिरिक्त जो बसी हुई वस्तुएं होती है उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग के लिए वर्तमान समय में क्या है कि कुटीर उद्योगों के अंतर्गत ऐसी कुछ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो आधुनिक प्रतिस्पर्धा के अंदर आधुनिक मशीनों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसकी बराबरी की जा सके, उसकी प्रतिस्पर्धा की जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी के बर्तन हैं, तो मिट्टी के बर्तन भारत में कुटीर उद्योग के द्वारा प्राचीन समय से भी निर्मित हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इस मिट्टी के बर्तनों में थोड़ा सा क्या आया, मॉडिफाइड आया है, क्योंकि जो आधुनिक तरीकों से मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं उससे इसकी कंपेरिजन की जा सके। बांस की टोकरी या दरी पट्टी उसको भी आधुनिक युग के हिसाब से जो आधुनिक मशीनों से वस्तुएं बनती है उसकी प्रतिस्पर्धा में, उसके इक्वल में इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। इसमें जैसे जूतियां बनाने का काम है, जूतियां बनाने का काम भी शामिल है जो घर परिवार वाले सदस्य मिल करके जूतियां बनाते हैं और वो भी आधुनिक तरीके से बनाई जाती है। तो इस प्रकार का जो कुटीर उद्योग है उसका मतलब ये होता है कि स्थानीय कच्चे माल के द्वारा एक साधारण औजारों का प्रयोग करते हुए घर परिवार वाले सदस्य मिल करके जीवन में जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करें तो उसको अपन क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। और ये भारत का यानी कि सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कागज़ या आभूषण से संबंधित औजार है, बर्तन छोटे औजार है जो स्थानीय काम में आते हैं। इसके अलावा जो आभूषण है, कागज़ या पत्तल है, ये भी काम में आते हैं। इसके अलावा देखो, ये कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि भारत के अंदर जो ग्रामीण एरिया है यानी आज भी भारत के अंदर लगभग 68.80 जनसंख्या किस में निवास करती है, गांवों के अंदर करती है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात आज भी 68.80 है और प्राचीन समय से, वर्तमान में तो कुटीर उद्योग यानी बहुत सारा हाश हो चुका है, लेकिन प्राचीन समय के अंदर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम है वो कुटीर उद्योग करता था। गांवों के अंदर जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उसका उत्पादन गांव के यानी कि लोगों के द्वारा, गांव के जैसे सोनार है तो सोनार से संबंधित जो भी यानी कि आभूषण है सोने के वो निर्माण करता था, कुम्भार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, और जो लोहार है वो लोहे की संबंधी वस्तुएं हैं जो गांव में और घर किसी भी परिवार में जो रोज़मर्रा वस्तुएं हैं जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है हर वर्ष उसका उत्पादन करता था। तो इस प्रकार नाई का काम है वो भी यानी कि इसी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो नाई का काम है, सुनार का काम है, कुम्भार का काम है, लोहार का काम है, ये ऐसे काम है जो प्राचीन समय के अंदर भारत में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया करते थे। वर्तमान में इसमें क्या दिक्कत हुई है कि जो आधुनिक तकनीकी से वस्तुएं बनती है, बड़े पैमाने वाले जो उद्योग है या लघु उद्योग है उनके माध्यम से आधुनिक तरीके से जो वस्तुएं बनने लगी है वो हल्की और यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली बनने लगी है, इसीलिए इस उद्योग का धीरे धीरे क्या होने लगा है, हाश होने लगा है। जिसे वर्तमान समय के अंदर है वो इस उद्योग को आधुनिक तरीके से उत्पादित वस्तुएं हैं उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और जब से विदेशी निवेश बढ़ा है तब से परिवार में जो मूलभूत आवश्यकता है या यूँ कहें कि दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं वो आधुनिक टेक्निकल से दूसरी विदेशी कंपनियों में ला करके बाजार को भर दिया है, जिससे इस उद्योग का क्या हो गया है, हाश हो गया है, कुटीर उद्योग को नुकसान हुआ है। अब है लघु उद्योग। देखो लघु उद्योग, इसको लघु उद्योग को कहते हैं छोटे पैमाने वाला उद्योग। कैसा उद्योग है, छोटे पैमाने, छोटे पैमाने वाला उद्योग है, इसको छोटे पैमाने वाला उद्योग कहते हैं। इस उद्योग की क्या विशेषता होती है कि इसमें कुछ पूंजी लगाई जाती है और
यानी पावर चालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, पावर चालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी लगाई जाती है और कम पूंजी लगाई जाती है, इसमें भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कुछ यानी कि श्रमिक रखे जाते हैं उसके द्वारा, यानी एक छोटे स्तर पर विभिन्न जो वस्तुएं हैं जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन है उसका प्रयोग किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कपड़े हैं, कागज़ के सामान हैं, कागज़ के सामान से बने और भी कुछ खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, फर्नीचर है, डेयरी उत्पाद है, खाने के तेल से संबंधित उद्योग है या धातु के बर्तन हैं, चमड़े के सामान है, इस प्रकार के उद्योग है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं और इसे छोटे उद्योग के नाम से भी, छोटे पैमाने वाले उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है लेकिन इसमें पूंजी लगाई जाती है, पावर से चालित होने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ कुछ श्रमिकों को भी रखा जाता है जिसको वेतन के रूप में मान दे दिया जाता है, उसे अपन लघु उद्योग कहते हैं। विकासशील देशों के अंदर जहाँ सघन बसी हुई जनसंख्या है वहाँ पर ज़्यादातर लघु उद्योग विकसित हुए हैं क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, कागज़ के सामान, खिलौने, धातुकर्मी से संबंधित जितने भी धातुओं के बर्तन हैं उसका निर्माण किया जाता है, या यूँ कहें कि छोटे छोटे जो कारखाने हैं उसको अपन लघु उद्योग कह सकते हैं। देखो अब ध्यान रखना है कि इस लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर क्या है, माइनर जो अंतर है दो तीन तरीके से अंतर अपन कर सकते हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के अंतर्गत भी स्थानीय कच्चा माल प्रयोग किया जाता है जबकि कुटीर में भी स्थानीय कच्चा माल उपयोग किया जाता है, ये तो इक्वल इसका कंपेरिजन है। लेकिन इसमें भिन्नता किस बात की है कि लघु उद्योग के अंतर्गत पूंजी लगाई जाती है नंबर एक, दूसरा पावर से संचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तीसरा इसमें श्रमिकों के रूप में वेतन दिया जाता है और चौथा इसका कार्य क्षेत्र निवास क्षेत्र से भिन्न होता है। जो कारखाना है या जो उद्योग है उसका क्षेत्र कार्य निवास क्षेत्र से भिन्न होता है, उसे अपन लघु उद्योग कहते हैं। तो इन चार तरह से कुटीर उद्योग से ये लघु उद्योग क्या है, भिन्न है, अलग है। अब देखो बड़े पैमाने, तीसरा है बड़े पैमाने वाले उद्योग। बड़े पैमाने वाले उद्योग का मतलब है कि जिसमें बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। एक तो भिन्न भिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है हजारों सैकड़ों की लाखों की संख्या के अंदर, इसके अंदर यानी कि श्रमिक रखे जाते हैं, कुशल अकुशल टेक्नीशियन, इस प्रकार के उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने वाले उद्योग होते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद में बड़े पैमाने वाले उद्योगों का विस्तार हुआ है, खास करके पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इन देशों में बड़े पैमाने वाले उद्योगों का विस्तार है वो अधिक हुआ है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये जितने भी उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक या भारी इंजीनियरिंग, सारे बड़े पैमाने वाले उद्योग कहलाते हैं। अब इसके बाद में आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल की क्या है, प्रकृति कैसी है, कच्चे माल की क्या है, प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में जिसका कच्चा माल कृषि उत्पादों से मिलता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इसका कच्चा माल कृषि उत्पाद यानी कौन से हैं, कपास से मिलता है। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के अंदर कच्चा माल है वो यानी कि गन्ने से मिलता है, गन्ना। तो इस प्रकार कृषि आधारित उद्योग जिससे कृषि उत्पादों से उनको कच्चा माल मिलता है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, चाय और कॉफ़ी जो पदार्थ उद्योग है, इसके अलावा भोजन प्रसंस्करण से संबंधित जितने भी उद्योग है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे नमक उद्योग है वो रासायनिक उद्योग है। इसके अलावा पेंट्रो रसायन उद्योग,
पेंट और रसायन उद्योग के अंदर बहुत सारी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, वो भी पेंट और रसायन उद्योग की श्रेणी में आता है। जैसे टायर ट्यूब का कारखाना पेंट और रसायन उद्योग में आएगा। प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक से बनने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, आजकल प्लास्टिक युग के अंदर बहुत सारी वस्तुएं बनती है, तो प्लास्टिक उद्योग भी रसायन उद्योग की श्रेणी में आएगा। विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ बनती है एलियोपैथिक वगैरह, वो भी इस उद्योग में आएंगे। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कृत्रिम रेशे, रासायनिक उर्वरक जो बनते हैं, जो नाइट्रोजन खाद, जो यूरिया DAP जो कृषि में काम में लिया जाता है, ये भी रसायन उद्योग में आता है। इसके अलावा कृत्रिम रेशे हैं, वो भी रसायन उद्योग की श्रेणी में आता है, नायलॉन वगैरह। इसके बाद में उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो खनिज आधारित, यानी जिसका कच्चा माल खनिजों के उत्खनन या खनिजों के उत्पाद से प्राप्त होता है। इसमें जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये सबसे बड़े उद्योग है। जैसे लौह इस्पात उद्योग में कच्चा लोहा, यानी कि उसका कच्चा माल क्या है, लौह ऐश्क। तो इस प्रकार लौह ऐश्क से लौह इस्पात उद्योग का विकास होता है, निर्माण। और इसके अलावा एल्यूमिनियम उद्योग, इसका कच्चा माल क्या है, बॉक्साइड है। सीसा, जस्ता एवं तांबा उद्योग, सीसा, जस्ता और तांबा उद्योग है, जहाँ पे सीसे जस्ता मिलता है, तांबा मिलता है, तो उसके लिए उद्योग यानी कि लगाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण अपन बताते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर जावर में है। कहाँ पे हैं, जावर में, जावर उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी कहाँ पे हैं, खेतड़ी के अंदर, यानी क्योंकि झुंझुनू खेतड़ी में तांबा निकलता है, खोदरी बालबर और खेतड़ी सिंगाना, वहाँ पर इस प्रकार तांबा उद्योग लगाया गया है। तो ये जितने भी उद्योग है जो धातु पर आधारित होते हैं, जिसका कच्चा माल है वो धात्विक खनिजों और अधात्विक खनिजों से प्राप्त होता है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में भी कच्चा माल लगता है, जैसे चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग में होता है। इसके अलावा कोयले की आवश्यकता भी सीमेंट उद्योग में होती है। डोलोमाइट ये भी सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। और जिप्सम ये भी सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। तो सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है। इमारती पत्थर है, जितने भी इमारती पत्थर है, जैसे राजस्थान में इमारती पत्थर खूब निकलते हैं, मकराना का, संगमरमर का पत्थर है, बलुआ पत्थर है, तो ये जो संगमरमर के पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारे इमारती पत्थर में आते हैं। इसके अलावा रत्न और आभूषण है, जैसे पन्ना, तांबड़ा, गार्नेट जो राजस्थान में होता है, इससे रत्न और आभूषण बनाया जाता है। हीरे का जो उद्योग है, हीरा उद्योग जो भारत में सूरत का प्रसिद्ध है, ये हीरा उद्योग भी खनिज उद्योग की श्रेणी में आता है, और इसमें रत्न और आभूषण उद्योग कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग है, जो खनिज आधारित उद्योग है, इसके अलावा कच्चे माल के आधार पर और उद्योग कौन से, वनों उत्पाद उद्योग कौन से हैं, कागज़ एवं लुगदी उद्योग। तो कागज़ लुगदी उद्योग यानी कि किसमें आते हैं, वन उत्पाद से संबंधित उद्योग के अंदर आते हैं, कागज़ बनाने का काम है। इसके अलावा लकड़ी का फर्नीचर उद्योग है, ये भी किस में आएगा, वन उत्पाद से संबंधित आएगा। वनस्पति तेल है तो वो भी इसी में वन उत्पाद से संबंधित उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो कागज लकड़ी उद्योग है, या लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, या वन औषधि उद्योग है, या वनस्पति तेल उद्योग है, ये वन से उत्पाद उद्योग की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा देखो, इसमें पशु आधारित उद्योग का मतलब है कि पशुओं से जो उत्पाद मिलता है, जिसका कच्चा माल क्या है, पशुओं से मिलने वाला उत्पाद है, तो उसमें कौन से आएंगे, पशुओं से मिलने वाला उत्पाद में, जैसे इसमें एक तो आता है चमड़ा उद्योग, इसमें
चमड़ा उद्योग है वो पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे दुग्ध उद्योग है, क्या है, दूध उद्योग है वो भी पशु आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है। और ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के यानी कि उद्योग है वो पशु आधारित उद्योग है। तो उद्योगों का वर्गीकरण है वो चार पांच के आधार तीन तरह से किया गया है, जिसमें आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर वापस वर्गीकरण किया हुआ है, और फिर है स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहले है निजी उद्योग। निजी उद्योग का मतलब है कि जिसमें निवेशक किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा होता है उसको अपन कहते हैं निजी उद्योग। दूसरा है सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग का मतलब है कि जिसका नियंत्रण प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में होता है उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग के अंतर्गत किसी निजी कंपनी और सरकार की संयुक्त भागीदारी से लगाए जाने वाले जो उद्योग है उसको अपन संयुक्त उद्योग कह सकते हैं या मिश्रित उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार उद्योगों का जो वर्गीकरण था वो मुख्यतः तीन तरह के आधार पर किया गया था। अब इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं उसका अलग अलग अपन यानी कि वर्गीकरण है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।